इसमें देखो पहले सिर्फ आधा इंच की सिलाई देंगे। ये सिलाई देंगे तो ऐसे सिलाई करके बाहर नहीं निकलना है, खाली यहाँ से यहाँ तक ही देना है। फिर एक डेढ़ इंच जितना गैप छोड़ना है, फिर नीचे सिलाई देनी है यहाँ तक, जो अपनी बीच की लंबाई आई थी वहाँ तक। ये देखिए इस टाइप से इसको यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अभी ये जो गैप था उसको अच्छे से इधर कपड़े को इधर और इधर सेट करेंगे। ये भाग इधर और ये भाग इधर, और यहाँ पे सिलाई देंगे ऐसा बॉक्स जैसे, ताकि ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। इलास्टिक डालो चाहे रस्सी डालो, जो आपको ठीक लगे। अभी ये दूसरी तरफ का पार्ट है, तो इसमें डायरेक्ट ऊपर से और ये बीच की लंबाई यहाँ तक डबल सिलाई देंगे। आधा आधा इंच से सिलेंगे। सिलाई दोनों तरफ हो गई है, पीछे में भी और आगे की साइड। जो आगे की साइड में ये जो रस्सी डालने वाला मैंने बनाई थी ये, तो इसको पहले आधा इंच मोड़ेंगे, फिर एक इंच इतना मोड़ के और पूरे राउंड में सिलाई देंगे। जितना मोड़ा है उसी हिसाब से बराबर मोड़ने। और देखो ये अगर बेलन पड़े राउंड राउंड तो नीचे के कपड़े को खींचना, ऊपर का भाग एकदम लूज छोड़ना आप, तो आपका एकदम सही मिलेगा। ये देखिए अपनी पट्टी मोड़ गई अच्छे से आगे पीछे। अभी ये जो बॉटम का भाग है इसको उल्टा करके, यहाँ से जो बॉटम अपना रेडी 7 था तो 7 इंच नाप लेंगे। दोनों तरफ नाप के सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पूरा सिलाई बीच की लंबाई यहाँ से और दूसरे पांव के बॉटम तक पूरी डबल सिलाई लगाएंगे। पूरी डबल सिलाई यहाँ से पूरी डबल सिलाई। ये देखिए अपनी सलवार सिल गई है अच्छे से, पूरी देखो बरोबर रेडी हो गई। ये सिलने में भी इजी है और कटिंग में भी इजी है, और आपको तरीका भी मैंने बहुत इजी से समझाया है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। धन्यवाद।